नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपिन कुमार, रंगीन रहे मेरी चैनल का नाम है। दोस्तों आपका बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ खास बनाने जा रहा हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि सर पोर्टफोलियो और प्रोफाइल में क्या फ़र्क है और हमें कौन सा बनाना चाहिए, पोर्टफोलियो बनाना चाहिए या प्रोफाइल बनाना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही मैं बताऊँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पोर्टफोलियो और प्रोफाइल दोनों ही चीज़ एक्टिंग के लिए, ऑडिशंस के लिए या कहीं ऑडिशंस में देने हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों बहुत से लोगों को क्या होता है कि पता नहीं होता है कि पोर्टफोलियो क्या है और प्रोफाइल क्या है। तो पोर्टफोलियो के पहले मैं बताऊँगा पोर्टफोलियो यानी क्या है। पोर्टफोलियो यानी आपके फोटोग्राफ्स, आपकी हाइट्स, आपके बारे में सब कुछ लिखा हुआ, आपके शूज़ का साइज़ क्या है, ये सब, और आपने क्या क्या काम किया है, ये सब उसमें लिखा हुआ होता है। और पोर्टफोलियो में क्या होते हैं कि डिफरेंस, वो जो फोटोग्राफर्स जो होते हैं, फैशन फोटोग्राफर्स या तो जो भी फोटोग्राफर्स होते हैं, वो लोग आपको बोलेंगे कि पोर्टफोलियो बना लीजिए। पोर्टफोलियो में आपको ये बता देंगे, हम इतने चमका देंगे, आपको ये कर देंगे, लाइटिंग ये कर देंगे, ड्रेसेस ये कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन वो आपको चमका तो देंगे, 20,000-25,000 जो भी मांगेंगे वो मांगेंगे, लेकिन ये आपको करना नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर या कास्टिंग असिस्टेंट जो भी कह लो, कास्टिंग एजेंसीज़ को आप जैसे हो वैसे ही दिखने चाहिए। थोड़ा बहुत चलता है लाइटिंग वाइटिंग या जो भी है वो, लेकिन वो लोग जो पोर्टफोलियो बनाते हैं वो लोग आपको थोड़े चमका देंगे, थोड़े ये कर देंगे, आपका चेहरा एकदम गोरा बना देंगे, आपके बाल जरा जो चाहो वैसे बना देंगे। तो ये जब आप पोर्टफोलियो आप किसी ऑडिशंस में या तो किसी डायरेक्टर के पास भेजोगे तो वो लोग देखेंगे, एजेंसीज के पास भी आप अगर भेजोगे तो वो लोग देखेंगे और बताएंगे। जब आपको बुलाएंगे, ठीक है आप शॉर्टलिस्टेड हो, आप आइए। लेकिन शॉर्टलिस्टेड होने के बाद आप जब वहाँ पहुँचोगे तब वो लोग देखेंगे, अरे इसमें तो जो अलग लग रहे हो, फ़ोटो में अलग लग रहे हो, इसमें अलग लग रहे हो। तो ऐसे हमको नहीं चाहिए, हमको तो जो आदमी जैसे है वो ही चाहिए, सामने दिखना चाहिए जैसे। इसीलिए आप लोग वीडियो शूट कीजिए, अपने मोबाइल से शूट कीजिए, कैमरा से शूट कीजिए, लेकिन जो आप हो वही शूट कीजिए। और उसमें आप वही बताइए जो आपने काम किया है, आपकी हाइट या जो भी है वो सब आप सही बताइए, वही चलता है। तो दोस्तों वो लोग क्या देखना चाहता है कि आदमी जब दिखेगा तो कैसा कॉमन दिखता है, ओरिजिनल दिखता है, क्योंकि उनको वो जो भी कैरेक्टर होता है उनके लिए उनके दिमाग में एक सर्टेन ये रहता है कि इस टाइप का ये कैरेक्टर होगा। तो अगर आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो आपको तो गोरा चिट्टा बता देगा, हाइट वाइट तो कुछ बना सकते हैं तो वो भी बता देगा, तो लाइटिंग वाइटिंग करके ये करके, लेकिन ये कैमरा में नहीं होता है। तो इसीलिए रिजेक्ट हो जाते हैं। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता कि पोर्टफोलियो उसमें सिर्फ कमाई होती है उनकी। फोटोग्राफर्स जो होते हैं, फैशन फोटोग्राफर या जो भी फोटोग्राफर होते हैं, वो लोग को कमाई होती है, उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बेच के कुछ फ़ायदा है। 25-50-100 फोटोज़ जो भी भेजोगे वो नहीं है। अभी आजकल किसी के पास टाइम भी नहीं है, ऑडिशंस लेने वाले के पास भी टाइम नहीं है, कास्टिंग डायरेक्टर के पास भी टाइम नहीं है, एक्टिंग एजेंसीज के पास भी टाइम नहीं है, ऑडिशंस की एजेंसीज के पास भी टाइम नहीं है कि आपके फोटोग्राफ्स देखे। अभी तो वो लोग कहते हैं कि शो आपका ऑडिशंस भेज दीजिए, वो कुछ डायलॉग्स दे देंगे और डायलॉग्स आप बोल के भेज दीजिए, या तो फिर सादा अपने आपका ऑडिशन सेल्फ ऑडिशंस दे दीजिए, वो ऑडिशंस एक कैमरा में शूट कीजिए, कैमरा से शूट कीजिए या तो वीडियो से शूट कीजिए, इससे शूट कीजिए मोबाइल से और भेज दीजिए। तो दोस्तों वही वो लोग देखना चाहते हैं कि सामने वाला आदमी कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, तो उनको जज करने के लिए अच्छा लगता है। तो जज को तुरंत कर लेते, फिर आपको शॉर्ट लिस्ट कर देते। तो दोस्तों पोर्टफोलियो मत बनाइए, इतना खर्चा मत कीजिए। इस ये जो पैसा 25-30 हज़ार जो भी खर्चा करोगे उसके बदले आप एक्टिंग स्कूल में डालिए, या तो कैमरा एक्टिंग के लिए सीखने के जाइए, या जो भी ऑडिशंस के लिए, जो भी कोई भी स्कूल्स हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिससे आपको मालूम पड़े कैमरा एक्टिंग क्या होती है, ये सब कैमरा एंगल ये वो सब आपको पता चलता है, तो उसमें खर्चा करोगे तो आपको आगे काम आएगा। फोटोग्राफ्स में दिखा कि कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि जैसे आप भेजोगे बड़ी एजेंसीज में कहीं भी भेजोगे
वो लोग तुरंत रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपको जब बुलाएंगे तो देखेंगे तो अरे इसमें और इसमें तो बहुत फ़र्क है, तो ये और वो लोग चेक नहीं कर पाते, वो लोग जज नहीं कर पाते कि ये कैरेक्टर के लिए हमें जो चाहिए वो कैरेक्टर ये है नहीं। तो दोस्तों ये पोर्टफोलियो मत बनाइए, पैसा मत खर्चा कीजिए, वही पैसा आपके काम आएगा ऑडिशंस के लिए, या तो फिर आपको कुछ आगे सीखना हो उसमें काम आएगा। तो दोस्तों ऑडिशंस, सिर्फ ऑडिशंस लिंक भी भेजो, आपके मोबाइल फ़ोन से आप शूट करके भेजिए, और वही आजकल मांगते हैं, वो ईमेल एड्रेस दे देते हैं, वहाँ पे आपको भेज देना होगा। तो पोर्टफोलियो के चक्कर में मत पड़िए, पोर्टफोलियो मत बनाइए, ठीक है जो फोटोग्राफर्स हैं उन लोग करते हैं, लेकिन आजकल वो देखते नहीं, किसके पास टाइम भी नहीं। ये आप भेज दोगे, जैसे आप कोई भी ईमेल में आप पूछोगे तो लोग बोलेंगे कि ठीक है आप अपना ऑडिशंस लिंक या तो जो भी आपने काम किया है वो लिंक हमें भेज दीजिए, वीडियो से शूट करते हैं ईमेल में, जब हमें टाइम मिलेगा तो हम देख लेंगे, क्योंकि उनके पास भी हज़ारों लोगों के फोटोग्राफ्स तो क्या ऑडिशंस लिंक आते रहते हैं, उनको जैसे टाइम मिलेगा तो लोग शॉर्ट आउट करते हैं कि ये कैरेक्टर के लिए ये आदमी फिट है, फिर शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद आपको वहाँ पर बुलाया जाता है, और वहाँ पर बुला के आपको कहा जाता है कि ये डायलॉग्स बोलिए वो डायलॉग्स बोलिए, और वो चेक करेंगे, लुक चेक करेंगे, लुक टेस्ट होगा, वो सब होगा। तो दोस्तों सिर्फ मोबाइल से ही कर दीजिए, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, आपके दोस्त को बोलिए वो शूट करेगा, अच्छी लाइटिंग हो, अच्छे डायलॉग्स बोल सको, क्लोज़अप लीजिए थोड़े से, कुछ शॉर्ट्स लॉन्ग भी लीजिए, पीछे की दीवार ज़रा अच्छी वाइट हो, तो उससे क्या होगा कि अच्छा दिखेगा और आपका एक्सप्रेशन दिखेगा, आपकी आवाज़ अच्छी आनी चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और ये पीछे ग्रीन पर्दा वर्दा मत लगाइए, जैसी दीवार हो, कॉमन दीवार हो, वाइट वाली दीवार हो तो अच्छा है, तो आपका फ़ोटो जो भी आप बोलोगे ऑडिशंस वो निखर के आएगा, बाहर उभर के आएगा। तो दोस्तों सिर्फ आपका मोबाइल ही आपको आगे ले जा सकता है, ऑडिशन में पास करा सकता है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, ऑडिशंस के लिए टाइम नहीं है। तो यही लिंक भेजिए, मोबाइल से शूट कीजिए, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। देखिए मैंने आपको बहुत बड़े खर्चे से बचा दिया ना, मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त या जो मेरे आर्टिस्ट हो, जो भी एस्पिरेंट्स, वो ज़्यादा खर्चा ना करें, और बाहर से आप लोग आते हो या जो भी बाहर से आते हैं तो उनके तो प्रॉब्लम रहती है एडजस्टमेंट करने की, तो दोस्तों यहाँ पे खर्चा मत कीजिए, ये शोबाजी मत कीजिए, ठीक है। तो सिर्फ मोबाइल से आप शूट करके भेज दीजिए ऑडिशंस लिंक, जो भी ईमेल है घर बैठ के भेज सकते हो, ऑडिशंस लिंक भेज सकते हो, आपने जो काम किया वो लिंक से भेज सकते हो, उसमें आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, हाइट वाइट जो भी है, आपने जो जो काम किया है वो बताइए, आपको क्या क्या आता है बताए, सिर्फ 2 मिनट के अंदर या 2 या 2.5 मिनट के अंदर ही आप भेज दीजिए, किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो दोस्तों ऑडिशंस दीजिए, आगे बढ़िए, और सिर्फ मोबाइल से ही कीजिए, पोर्टफोलियो मत बनाइए। थैंक यू वेरी मच। मेरे ये जो मैंने बात कही उससे शायद आपको मालूम पड़ा होगा, तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो मैं बनाते रहता हूँ, मेरी चैनल रंगीन राहे को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में बांटिए, सबको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों शेयर कीजिए मेरी चैनल रंगीन राहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हाँ आई लव यू फ्रेंड्स।